जब घड़ी इशारा करे रात के 8 का, तब वक्त होता है RBSH की आवाज का। नमस्कार, मैं हूं संजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं RBSH की आवाज। हम हाजिर हैं आज की खबरों के साथ। पिछले साल की 2 अप्रैल को हुई घटना के बाद इस बार प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। ग्वालियर कलेक्टर ने जहां शांति समिति की बैठक कर सभी से शांति की अपील की, वहीं ग्वालियर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया है। सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जा रही है। शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। संवेदनशील क्षेत्र थाटीपुर कुमारपुरा एवं नदीपाटाल में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। स्वयं नवनीत भसीन साहब भी ग्वालियर शहर की सड़कों पर पुलिस फोर्स के साथ घूम रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए हमने भी पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन साहब से बातचीत की। मीडिया पर आपका स्वागत है और इस समय मैं कुमारपुरा क्षेत्र पर हूँ। मैं आपको बता दूँ कि 2 अप्रैल को पिछले साल काफी कुछ ग्वालियर में हुआ था, जिसका हंगामा पूरे देश में हुआ। इस बार पुलिस प्रशासन ने ग्वालियर में पहले तो एक शांति बैठक बुलाई और सभी लोगों को ग्वालियर में शांति रखने की अपील की गई। फिर से 2 अप्रैल आ गया है, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त है। कई जगह पर सुरक्षा व्यवस्था बिठा दी गई है, कई जगह पर निगरानी की जा रही है। हमारे साथ में ग्वालियर पुलिस के पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। इस बार 2 अप्रैल को पुरानी घटना ना घटे, उसको लेकर के प्रशासन कितना सतर्क है? जैसा कि आपने देखा, हम लोगों ने पहले शांति समिति की बैठकें की, सभी पक्षों से बात की है, सभी ने हम लोगों को भरोसा दिया है कि हम लोग ग्वालियर जिले में शांति व्यवस्था कम व्यवस्था चाहते हैं। इसके साथ साथ हमने सुरक्षा में पर्याप्त तैयारी की है। हमारे चेक ब्रिगेड, मोबाइल पार्टी, माउंटेड पेट्रोल सब तैयार हैं। अगर कोई असामाजिक तत्व शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। हम नागरिकों से अपील करते हैं कि आप पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें शांति व्यवस्था बनाए रखने में, सोशल मीडिया का दुरुपयोग ना करें, किसी भी भ्रम और अफवाह से बचें। धन्यवाद सर। जैसा कि सोशल मीडिया को बैन करने की बात की जा रही थी, क्या बैन किया जाएगा? हम लोग स्थिति का आकलन कर रहे हैं। हमें लगता है जिस प्रकार का स्टेप लेना है उसका आकलन के पश्चात स्टेप लिया जाएगा। तो ये थे ग्वालियर पुलिस अधीक्षक भसीन साहब, और इनका कहना है कि हर तरह की निगरानी की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था में आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर एक पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है और पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरीके से प्रशासन यहाँ पर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किए हुए हैं। हर तरह की गतिविधि को यहाँ पर नज़र रखी जा रही है और जैसा कि नवनीत भसीन साहब का कहना है कि हम हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में। आप देखते रहिए RBS न्यूज, सच की आवाज। जय हिंद।